अमूमन पूरा जीवन जो हम जी रहे हैं, हम सब जानते हैं कि हमारे पास 5 सेंसेस हैं, 5 इंद्रियाज। हम इस पूरे जीवन को अनुभव करते हैं इन 5 इंद्रियों के सहारे। हमारा पूरा जीवन का एक्सपीरियंस इज बेस्ड ऑन दीज 5 इंद्रियाज, और इन 5 इंद्रियों के थ्रू हम जो भी एक्सपीरियंस करते हैं हम उसको सत्य मानते हैं। राइट, आर वी टुगेदर? ओके। Do you know right now there are certain sounds which your ear cannot hear, but they exist? Do you know there are some sounds, some lights right now, जो कि आपकी आंखें नहीं देख पा रही but वो exist करती हैं? Science has proved that, infrared, ultrasonic. These are sounds and lights जो आपकी 5 इंद्रियां तो नहीं देख पा रहे but exist करती हैं। तो यानी और भी बहुत कुछ होगा जो आपकी इंद्रियां नहीं देख अनुभव कर पा रही बट वो एग्जिस्ट करता है। आर वी टुगेदर? टेकिंग द लॉजिक फॉरवर्ड, फिर शायद ये भी संभव है इस समय इस रूम में हमारे अलावा और भी लोग हैं जिनको हम देख महसूस नहीं कर पा रहे बट प्रॉब्ली दे आर हेयर टू सपोर्ट दिस प्रोसेस। या इज इट अ पॉसिबिलिटी? शाबाश। कहने का भाव ये हुआ कि इस जगत में बहुत कुछ ऐसा है जो हमारी इंद्रियां पकड़ नहीं पाती और हमारा अनुभव सत्य का शायद उतना सत्य नहीं है। पहचानते हैं उन चीज़ों पे हम ट्रस्ट करने लगते हैं, वो चीज़ें हमें रियल लगने लगती हैं। फॉर एन एग्जांपल, छोटे बच्चे टीवी में कुछ कैरेक्टर देखते हैं। हमारे यहाँ आश्रम में एक छोटी सी बच्ची आती है, शायद वो 6-7 साल की है, और वो टीवी में अलग अलग तरह के कार्टून्स देखती है। उसके जहन में वो कार्टून सत्य हैं और अब वो उन्हीं कार्टून्स की तरह बिहेव करने लग गई है। वो बोलती भी वैसा है, उसका डिक्शन भी वैसा बन चुका है बोलने का, उसके हाव भाव भी वैसे बन चुके हैं, क्योंकि जो उसने रिपीटेडली देखा उसको लगा यही सत्य है और मुझे भी ऐसा होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड प्रभाव, इन्फ्लुएंस, कंडीशनिंग। व्हेन वी लिव लाइफ लाइक दैट, इट बिकम्स अ फॉर्मैट। वी आर ऑल लिविंग इन अ सर्टेन फॉर्मैट। हम सब लोग किसी नई चीज की तलाश में रोज वही काम करते हैं और लगता है हमें कि हम नया काम कर रहे हैं। मैं बहुत मित्रों से मिलता हूं जो अपनी नौकरी से बोर हो चुके होते हैं और वो नई नौकरी करना चाहते हैं या नया काम करना चाहते हैं, बट उनका काम भी वैसा ही होता है नौकरी जैसा। देयर इज नथिंग न्यू अबाउट इट। वहाँ भी क्लाइंट की मारामारी, वहाँ भी बिलिंग की मारामारी, वहाँ भी काम का प्रेशर। इट्स नॉट न्यू। एक उनको इल्यूजन होता है कि वो नए की तरफ जा रहे हैं बट दे स्टिल लिव इन द सेम फॉर्मैट। आर वी टुगेदर सो फार? ओके। आप लोग जब रोज सुबह उठते हैं, आपने कभी गौर किया कि आप सुबह का आधा घंटा या एक घंटे का आपका फॉर्मेट बिल्कुल सेम है, आपका रूटीन एकदम सेम है। आप बेड के उसी साइड से उठते हैं, आप वही पैर पहले नीचे लगाते हैं पृथ्वी पे, आपके चप्पल वहीं पड़े होते हैं, आप वहीं से उन चप्पल को उठाते हैं, आप उसी ढंग से ब्रश करते हैं, और जब ब्रश करते हुए आप शीशे में देखते हैं तो आप अपने चेहरे के उन्हीं कुछ बिंदुओं को देख रहे होते हैं। इट्स अ वेरी फॉर्मेटेड लाइफ। आप धीरे धीरे मशीन बन चुके हैं, आपको पता नहीं चला। आप एक मशीन की तरह, किसी ने बटन दबाया है और वो मशीन रोज वही काम करती है, रोज वही काम करती है। एंड दिस इज हाउ वी लिव 70-80-90 ईयर्स ऑफ आवर लाइफ। What was the purpose of this life? Forget about adhyatma or anything else. The purpose of this life, in a very simple way, was to evolve, to learn, to become better. Right? In a very simple way, can we say that? The purpose of the life is to evolve. Jisko aajkal hum management ki term mein bolte hain, to become better version of who you are. बट वो कैसे होगा अगर आप एक मशीनवत्त जीवन रोज जीते रहेंगे जिसमें कुछ भी कभी नया घट नहीं रहा,
या कुछ भी नया ढूंढने का आप प्रयास नहीं कर रहे। Are we together so far? Okay. Very good. The sixth sense again. Imagine कि आपके मोबाइल स्मार्टफोन में सर्टेन मेमोरी है, उस मेमोरी में सर्टेन डेटा फीड है। इमेजिन आप अपना पूरा जीवन सिर्फ उसी डेटा के आधार पर जीते रहो और आप कभी भी WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब को एक्सेस करके नया डेटा एक्सप्लोर नहीं करो। इमेजिन आपके GPS में, आपके गूगल मैप में वही 5 मैप्स डाउनलोडेड हैं और अपना पूरा जीवन बस उन्हीं 5 डेस्टिनेशंस पे घूम घूम के गुजार दो। आप कभी कुछ नया मैप उसमें डालो ही ना। यू नेवर कनेक्ट टू द सर्वर वेयर द लार्जर डेटा इज स्टोर्ड, वेयर यू कैन जस्ट एक्सेस एनीथिंग। तो बहुत लिमिटेड लाइफ हो जाएगी। दिस इज हाउ मोस्ट ऑफ अस आर लिविंग। वी आर नॉट एक्सेसिंग एन इंटेलिजेंस विच एग्जिस्ट बियॉन्ड द इंटेलिजेंसेस ऑफ 5 सेंसेस। इसलिए कोई भी अनुभव हमें परिपूर्ण नहीं कर पाता। हमारे पास जितना मर्जी ज्ञान हो वो हमें परिपूर्ण नहीं कर पाता। हमारे पास जितना मर्जी धन हो वो हमें परिपूर्ण नहीं कर पाता। हमारे पास जितना मर्जी नाम हो वो हमें परिपूर्ण नहीं कर पाता। हमारे पास जितने मर्जी बॉयफ्रेंड्स गर्लफ्रेंड्स हो वो हमें परिपूर्ण नहीं कर पाते। एंड लाइफ बिकम्स सम काइंड ऑफ अ लैक। Have you experienced this? कि कुछ खालीपन, कुछ अधूरापन जीवन में हमेशा महसूस होता रहता है। Why? Why? So it's my turn to ask the question. I start. Why do you feel that happens? Despite having everything, अभी बड़े मजेदार घटना घटी। अभिषेक ने सजेस्ट किया कि इस सेशन से पहले यहाँ एक बहुत खूबसूरत मंदिर है, आपने अगर देखा है तो एक शिव मंदिर है यहाँ बहुत खूबसूरत। आप में से जिन मित्रों ने भी नहीं देखा, आई हाईली रिकमेंड आफ्टर दिस सेशन यू मस्ट विजिट दैट। व्हाई? बिकॉज उस मंदिर के आसपास बहुत अद्भुत ग्रीनरी है और एक बरगद का पेड़ है। और थैंकफुली सोसाइटी के लोगों ने या मैनेजमेंट ने उस बरगद के पेड़ के आसपास बैठने की व्यवस्था बनाई हुई है। और वहां उस बरगद के पेड़ के नीचे उतनी खूबसूरत ग्रीनरी में एक गार्ड बैठा है। इफ यू गो यू विल सी द गार्ड देयर। यहां आने से पहले मैं कुछ मिनटों वहां बरगद के नीचे बैठा हुआ था एंड आई रियलाइज्ड इस पूरी कॉलोनी में सबसे सुंदर लोकेशन उस गार्ड के पास है। ही इज द मोस्ट ब्लेसड वन। सबसे खूबसूरत लोकेशन इस पूरी कॉलोनी में उस गार्ड के पास थी। बट उस गार्ड को मैंने 2 मिनट उसकी आंखों में देखा और वो बहुत मुरझाया हुआ और सर झुका के बैठा था कि कितनी बोरिंग नौकरी है, काश मेरे पास भी ऐसा एक फ्लैट हो कभी, काश मेरे पास भी ये सब सुविधाएं हो कभी। और वो रियलाइज नहीं कर रहा कि उसके पास ऑलरेडी सबसे सुंदर लोकेशन है। 8 hours a day और 10 hours a day ही इज इंजॉइंग दैट लोकेशन, but he is not enjoying that location. Similarly, यहाँ रहने वाले अधिक लोग अपने अपने घरों में से सोचते होंगे कि काश ऐसा घर हो जिसमें और सुंदर ग्रीनरी दिखे, सागर भी दिखे। कहने का भाव ये हुआ, no matter what we get, no matter where we are, there's a certain thing which is unfulfilled in us. The question now I come back, why do you think that happens? सब कुछ होने के बावजूद भी एक अनफुलफिलमेंट सी क्यों, ये ऐसा एहसास क्यों रहता है? What do you think? Please don't hesitate in sharing. As I said, it's not a formal session, it's a discussion. It's not a discourse, it's a dialogue. Why do you think that happens? और चाहिए टू फॉर मोर। इस पे कहानी याद आई मुझे।
हाँ, एक कहानी शेयर करता हूँ इससे, आई थिंक सूफियों की कहानी है शायद। एक बार एक सूफी फकीर होता है और वो एक राजा के महल में जाते हैं दान मांगने के लिए, टू आस्क फॉर भिक्षा। और उनका जो भिक्षा पात्र होता है वो एक ह्यूमन स्कल है, खोपड़ी, एक किसी शमशान घाट से उठा लाए होंगे कोई खोपड़ी, ह्यूमन स्कल। तो वो उस ह्यूमन स्कल में भिक्षा मांगने जाते हैं एक राजा के पास। एंड दैट किंग वेरी प्राउडली सेज कि मांगो जो भी मांगना चाहते हो, आई हैव अ लॉट, आई कैन गिव यू अ लॉट। सो बहरहाल वो द किंग एंड किंग्स टीम स्टार्ट्स टू पोर अशर्फियां इन दैट पात्र, बट उनकी सारी अशर्फियां खत्म होने लगती हैं, बट वो पात्र भर नहीं पाता। फिर वो कुछ और उपहार डालते हैं, बट वो उपहार भी खत्म होने लगते हैं, वो पात्र भर नहीं पाता। फिर वो ग्रेन्स डालने लगते हैं, क्योंकि थोड़ा सस्ता है ग्रेन, तो ग्रेन्स डालने लगते हैं, तो ग्रेन्स भी चला जाता है और वो पात्र भर नहीं पाता। अब उनको डर लगने लगा है कि ये प्रजा के लिए तो कुछ बचेगा नहीं। देन द किंग आस्क्स द फकीर कि बॉस, तुम मुझे कुछ इल्यूजन में डाल रहे हो, तुम मेरे साथ कुछ खिलवाड़ कर रहे हो, तुम्हारे पास कोई मैजिक है, कोई तंत्र मंत्र है जिससे तुम मुझे भटका रहे हो, क्योंकि मेरा तो पूरा खजाना खाली हो जाएगा बट तुम्हारा पात्र नहीं भरेगा। देन दैट सूफी सेड, व्हाट्स योर विश ओ किंग? द किंग सेड, माय विश नाउ इज टू एक्वायर द नेक्स्ट कंट्री। एंड दैट सूफी सेड, जो पात्र है ये ह्यूमन खोपड़ी जो मैं लेके घूम रहा हूँ, ये एक्चुअली असल खोपड़ी है इंसान की, इसमें जितना मर्जी डाल दो ये कभी भरती नहीं है, इट नेवर गेट्स फुलफिल्ड। द किंग रियलाइज द लेसन, और अपनी मूर्खता किंग को समझ में आ गई कि ये पात्र कभी भरता नहीं है। मे बी जिन चीज़ों से हम इस पात्र को भरने की कोशिश कर रहे हैं उन चीज़ों से ये भरा ही नहीं जा सकता, मे बी किसी और चीज़ से भरा जा सकता है, ये संभव है। आज हम अपने पात्र को भरने की कोशिश कर रहे हैं उन चीजों से जो पांच सेंसेस के अधीन है, राइट? पैसा, मान सम्मान, प्रॉपर्टीज, रिश्ते नाते। वी ट्राइंग टू फिल द पात्र विद ऑल ऑफ दिस, दिस इज ऑल अंडर द डोमेन ऑफ फाइव सेंसेस। मे बी, एंड आई एम सेइंग मे बी, देयर इज अ सिग्नल कि जो भी चीज पांच सेंसेस के अधीन में है वो इस पात्र को कभी भर नहीं सकती। एक और किस्सा याद आया इसी के चलते, आई थिंक ये किस्सा है सिकंदर का, पॉपुलर किस्सा है ये, आप में से कुछ मित्रों ने शायद सुना होगा। सिकंदर बिकेम द वर्ल्ड कॉन्करर, ही ऑलमोस्ट वॉन द होल वर्ल्ड। यू नो, जब सिकंदर मरा तो उन्होंने अपने शिष्य को क्या बोला, कैसे मेरी अर्थी को तुम लेके जाना? यू नो द स्टोरी, सम ऑफ यू नो, सम ऑफ यू डू नॉट नो। ही टोल्ड हिज फॉलोअर्स कि जब आप मुझे मरघट तक लेके जाओ या बरियल ग्राउंड तक लेके जाओ तो मेरे दोनों हाथ खाली, मेरे वट एवर यू आर कैरिंग मी इन, उससे बाहर खाली निकाल देना। लेट द होल विलेज, लेट द होल सोसाइटी, लेट द होल वर्ल्ड सी दैट इवन सिकंदर goes from this world empty-handed। तो शायद ये पात्र जो भी पांचों senses के अधीन है उससे भरा नहीं जा सकता। Can we logically say this as a conclusion? Can we? Can we possibly say, yeah? कि जो भी पांच senses के, पांच इंद्रियों के अधीन है उससे तो पात्र कभी भरा नहीं जा सकता। ये जो feeling of unfulfillment है, जैसा इन्होंने कहा, ये हमें ड्राइव करती है जीवन में कुछ करने के लिए, और हमें लगता है वो कुछ करके फुलफिलमेंट हासिल हो जाएगी। एब्सोल्युटली एक बात इससे प्रूव हो गई, नहीं दो बातें इससे प्रूव हो गई। पहला, देयर इज सम अनफुलफिलमेंट इन अस, प्रूव्ड। दूसरी बात इससे प्रूव हो गई, हम सब उस अनफुलफिलमेंट को फिल करने के लिए कुछ करना चाहते हैं, हम प्रयास करना चाहते हैं, हम आलसी लोग नहीं हैं, वी आर गुड पीपल, we want to do some prayas for that, do baatein prove ho gayi, which is phenomenal, jo hame insaan human being banati hai, there's a problem here।
जो हमारा मैकेनिक्स है फुलफिल होने का, वो मैकेनिक्स में गड़बड़ है। जो हम वेज अडॉप्ट कर रहे हैं फुलफिल होने के, उन वेज में गड़बड़ है। इट्स लाइक आई डोंट अंडरस्टैंड बॉम्बे ज्योग्राफी, बट विच साइड इज जुहू, दिस साइड और दिस साइड? दिस साइड। ओके, तो जुहू किस तरफ है? इस तरफ, इस तरफ। ओके, सो लेट्स से जुहू इज दिस साइड एंड आई वॉन्ट टू गो टू जुहू, बट मैं सारा काम कर रहा हूँ इस तरफ चलने का, तो मैं जुहू कभी पहुंचूंगा नहीं, तो वो जो पात्र है कभी भरेगा नहीं। दैट्स एग्जैक्टली द प्रॉब्लम। और मैंने यहीं से बात शुरू की थी, हम इस अनफुलफिलमेंट को फिल करने की कोशिश कर रहे हैं इन द डोमेन ऑफ फाइव सेंसेस एंड वी आर नॉट यूजिंग आवर इंटेलिजेंस। हम हर अनुभव से ये नहीं देख रहे कि जो भी पांच सेंसेस के भीतर है वो आपको नहीं भर पाता। हम नहीं सीख रहे ये बात, पर हम ये रोज कर रहे हैं। अगेन टू गिव यू एन एग्जाम्पल, आज आपका मन है बहुत स्वादिष्ट बिरयानी खाने की, आपने बहुत दिन से बिरयानी नहीं खाई एंड यू वॉन्ट टू बी फुलफिल्ड बाई ईटिंग दैट बिरयानी। आपने खा ली वो बिरयानी और आहा मजा आ गया वो खा के, वट एवर, जस्ट यूजिंग बिरयानी एज एन एग्जाम्पल। मैं लिख के दे सकता हूं आपको, 24 घंटे के अंदर आपकी अनफुलफिलमेंट फिर जागेगी और अब चाह आएगी समोसा खाने की, दूसरी चाय और फिर अब वो दूसरा समोसा या चाय भी खाओगे और फिर वो थोड़ी देर के लिए होगा, फिर फुलफिलमेंट नहीं आएगी। हम ये सीख ही नहीं रहे कि ये बिरयानी और समोसा मेरी अनफुलफिलमेंट को फिल नहीं करेगा। 50 साल हो गए, 60 साल हो गए मुझे ये करते हुए, बट मैं नहीं समझ रहा कि इट्स अ रॉन्ग डायरेक्शन, दिस थिंग विल नेवर फुलफिल। ये क्षणिक होगा एंड देन अगेन द पात्र विल बी एम्प्टी। ये खोपड़ी की तरह जो मैंने पहले स्टोरी शेयर की, वी नॉट लर्निंग दिस। इट मीन्स, वन सेकेंड, इट मीन्स ये फुलफिलमेंट को खोजने की जो डायरेक्शन हमने चुनी है, ये डायरेक्शन में गड़बड़ है। और ये डायरेक्शन क्या है? द डायरेक्शन इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फाइव सेंसेस। दैट्स वेयर द कोर ऑफ द प्रॉब्लम इज देयर। आर वी टुगेदर सो फार? यूजली देयर इज अ स्लाइट गैप बिटवीन योर डिजायर 1 एंड डिजायर 2। फॉर एन एग्जाम्पल, I want to have the best wine. आपने महीनों उसका इंतजार किया एंड दिस कुड बी एनी एग्जाम्पल एंड नाउ देर इज योर ग्लास ऑफ वाइन, यू वेटेड फॉर मंथ्स फॉर दिस एंड नाउ यू पिक अप द ग्लास एंड यू टेक अ सिप। Your desire is fulfilled by taking the first sip and your mind is totally shut, dissolve in the nothingness, because the next desire to have a snack with this has not arisen yet and there is a small gap. In that gap you experience aha, in that gap you experience something called ananda. So technically speaking, what we call ananda as per the Vedic traditions is a slight gap that you experience in your deepest anubhav when one desire is fulfilled and the second desire has yet not taken birth. In dono ke beech mein ek chota sa gap hai. Is gap mein pehle experience aur desire ki anubhuti se mind ekdam dissolve ho jata hai. Kuch kshanon ke liye माइंड पांच सेंसेस से विड्रॉ करके नथिंगनेस में चला जाता है, क्योंकि सेंस प्लेजर हो गया उसको। अब वो सेंसेस से विड्रॉ करके बियॉन्ड फाइव सेंसेस चला गया, लेट्स कॉल इट नथिंगनेस। इन दैट फेज यू एक्सपीरियंस आनंद। यस, वी आर कमिंग टू दैट। फर्स्ट लेट्स एस्टैब्लिश दैट दिस इज द फेज ऑफ आनंद एंड देन द होल लाइफ you're trying to achieve the same ananda through different means. Jin logon ko khane ka shauk hai wo alag alag bhanti bhanti prakar ka khana khake isi state ko achieve karne ki koshish karte hain.
जिन लोगों को फिजिकल प्लेजर का शौक है वो बार बार फिजिकल प्लेजर को इंजॉय करके इसी स्थिति को पकड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये स्थिति आती है आफ्टर द फुलफिलमेंट ऑफ ईच डिजायर दिस स्पॉट कम्स, बट आवर माइंड इज नॉट एबल टू सी थ्रू द आनंदा वॉज नॉट इन द फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, द आनंदा वॉज द गैप बिटवीन टू डिजायर्स. Are we clear? Absolutely. Yeah? Absolutely. If you start to do prayasa, effort, to break the habitual pool of your five senses, you will automatically enter into the sixth sense. The sixth sense is the silence of the mind. There's a whole cosmic intelligence out there which you can access, download, and live your life according to that. Just to give you a quick example as an ending note on this, and you will, and this is an indication. America mein ek bahut bada festival hota hai jisko bolte hain Burning Man festival. Have you heard Burning Man festival? Some of you have heard. Elon Musk aur is tarah ke sabhi log us Burning Man festival mein jaate hain. Us festival mein wo bahut sari cheeze karte hain pehle paancho senses ko excite karne ke. So there's a lot of dance, there's a lot of art, there's a lot of creativity, there's a lot of action. There's a lot of music. Then there's a lot of yoga. Then there's a lot of meditation. And then they make sure in the festival, thousands of people together enter into a state of meditativeness, which is silencing of the mind. When they achieve the silence of the mind, they call it the flow. They enter into a flow. Most of their business decision that they make comes from that flow. They're mastering the art to enter into the sixth sense by shutting their mind, by silencing their mind. Kuch saal pehle Nikola Tesla, jo ki Tesla Motors jiska pura IP is the battery design, kisi bhi electric vehicle ka sara damodar hai uski battery ke upar. और टेस्ला ने बहुत पैसा लगा के बहुत साल आविष्कार करके बैटरी के डिजाइन्स बनाए थे और उनको पेटेंट कराया था. कुछ साल पहले निकोलस टेस्ला इलॉन मस्क को सॉरी ये बात समझ में आ गई कि जब तक ये बैटरी का डिज़ाइन सिर्फ टेस्ला के पास रहेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल का इकोसिस्टम कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा एंड द वर्ल्ड विल कोलैप्स बिकॉज ऑफ द पॉल्यूशन. एंड इन ऑर्डर टू डू दैट ही ओपनड द आईपी ऑफ द टेस्लास बैटरी. तो आज आप टेस्ला की वेबसाइट पे जाके उनकी बैटरी का डिजाइन कॉपी कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट. निकोलस इलॉन मस्क ने बर्निंग मैन फेस्टिवल में व्हेन ही एंटर्ड इनटू द सिक्स सेंस व्हेन ही वाज एबल टू साइलेंस हिज माइंड ही मेड दैट डिसीजन. दिस डिसीजन केम टू हिम फ्रॉम अ कॉस्मिक इंटेलिजेंस. और जिस दिन से टेस्ला मोटर्स ने वो डिसीजन लिया द कंपनी स्टार्टेड डूइंग फेयरली वेल ऑन द स्टॉक मार्केट. दे बिकेम रिचर एंड रिचर बाय एवरी डे when they became transparent and open. Logical mind cannot conceive this, but there was a cosmic intelligence here. We all have access to that cosmic intelligence provided we just do one thing. To aaj main is vishay mein ek hi sutra deta hu aapko apart from the others that I shared with you. Learn to restrain your senses. Just one takeaway today. Learn to restrain your senses. That is all. Which means, अभी अगर आपका चाय पीने का मन कर रहा है अगर आप चाय के हैबिचुअल हो तो आप स्वयं को बोलना एक घंटे बाद पीता हूँ. You just creating a, you just breaking the loop. Drink the tea. I'm not asking you not to drink the tea. But एक loop break कर दो उस time का. दूसरा सूत्र इसी को support करने वाला. Just do one thing at a time, not two things at a time. So, अभी आप जब खाना खाएंगे, my suggestion to you would be, which is very difficult for you to follow. Just eat the food. Do not network or talk at that time. You please do your networking or talking or greeting each other, either before the food or after the food. But at that moment, और आपको ये बड़ा अद्भुत लगेगा कि खाना खाने में आपको सिर्फ 7 से 10 मिनट लगेंगे. Not too much of the time. आप उसके पहले बातचीत कर लीजिए एक दूसरे से या उसके बाद कर लेना. If you can just follow this, next time when we will meet,
you might have accessed something. And then next time we'll go a little more deeper into that.